90 डेज तक आप जैसे कर देते हो दोस्त, उसके बाद ये आपका जीवन बनने लग जाता है और आप दिल से आसानी से कर पाते हो। और उसके बाद आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेज आएंगे जो कि आपको फिफ्थ पॉइंट में पता लगेगा मेरे भाई। डॉक्टर तो जम के पैसा कमाते हैं मेरे भाई, पैसे छापते हैं ये। और एक बार हमारे कमेंट के नीचे भी एक डॉक्टर ने बताया था कि भैया ये हस्तक्रिया बहुत। हरे कृष्णा। आज का एक सवाल है जो कि एक भाई हमसे पूछते हैं कि वीरनाश करना कितनी बार सही है ताकि हमारी बॉडी को प्रॉब्लम भी ना हो और हमारा ब्रह्मचर्य भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाए। आज हम इस क्वेश्चन का पूरा जवाब देंगे दोस्तों। पूरे करेक्ट 6 पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, छोटे से पॉइंट हैं, इनको ज़रूर सुनना चाहिए आपको पूरा एंड तक। इतनी गारंटी है दोस्तों कि पूरा का पूरा आंसर आपको मिलेगा इसका। और इसके बाद आपको कभी सर्च नहीं करना पड़ेगा कि भाई मुझे कितनी बार करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए, महीने में कितनी बार करना चाहिए, साल में कितनी बार करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आप कभी लाइफ में नहीं पूछोगे दोस्तों, रियल में, इतनी गारंटी है। लेकिन इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है जरूर। तो आज का सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि ब्रह्मचर्य का मतलब समझो मेरे भाई। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ कभी भी गलती से भी अपने वीर का नाश नहीं करना है। वीर का नाश इंसान केवल तब करता है जब उसके मन में बुरे विचार आते हैं, स्त्री के प्रति गलत आचरण करता है, या फिर गलत विचार सोचता है, या फिर गलत चीज़ें देखता है, अश्लील चीज़ें देखता है, अश्लीलता की ओर। तो इन चीज़ों में डेडिकेशन के साथ करना पड़ता है। और परमात्मा एक अपने प्रभु, जैसे हमारे हनुमान जी उनके प्रभु हैं, दिल से वो श्री राम का वंदन करते हैं, ऐसे ही आपको भी अपने परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा, केवल तब ही ब्रह्मचर्य संभव है दोस्तों। और एक और डेफिनेशन है, वो बताती है कि ब्रह्मचर्य और वीरनाश कभी भी एक साथ हो ही नहीं सकता है। जैसे दिन और रात एक साथ कभी नहीं हो सकता है, जैसे सूरज और तारे एक साथ नहीं दिख सकते हैं दोस्तों, वैसे ही ब्रह्मचर्य और हस्तक्रिया, वीरनाश और गंदे विचार, ये एक साथ कभी हो ही नहीं सकते हैं दोस्तों। तो ये बात समझनी पड़ेगी सबसे पहले तो। नंबर दूसरा पॉइंट कहता है कि ये सवाल पूछना बिल्कुल जायज है। किसी भाई के मन में ऐसे विचार आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भैया हमें कितनी बार लाइफ में करना चाहिए, कितनी बार हम कर सकते हैं लाइफ में कि हमें प्रॉब्लम भी ना हो। और ये तो दोस्तों दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू ब्रह्मचर्य ये सवाल ही गलत है कि कितनी बार करना चाहिए। एक्चुअली आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि हम ब्रह्मचर्य कब तक करें और ब्रह्मचर्य हमें कैसे करना चाहिए, दिल से कैसे कर पाएं, ऐसे सवाल पूछने चाहिए आपको अपने मन में। कितनी बार करना चाहिए केवल वही इंसान पूछेगा दोस्तों जो थोड़ा सा फंसा हुआ है इन चीज़ों में, या फिर वो इन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहा है दोस्तों। केवल ऐसे ही इंसान ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है और उसमें कोई गलत नहीं है दोस्तों, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर पूछोगे हमें कितनी बार हस्तक्रिया करनी चाहिए, वीरनाश करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का नाश करना चाहिए, तो आंसर कहता है कि जब तक है जान केवल तब तक आपको ब्रह्मचर्य करना चाहिए और अपने वीर का नाश नहीं करना चाहिए दोस्तों। जब तक है जान इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जो बंदा हस्तक्रिया करेगा, अपने वीर का नाश करेगा, वो इंसान मरे के समान हो जाता है, जीते जी मरे के समान, अंदर से मरे के समान हो जाता है वो इंसान, बस अपने टेंशनों में रहेगा हमेशा। इसलिए समझना पड़ेगा आपको दोस्तों कि ये सवाल बदलो और ये पूछो कि मैं कैसे कर सकता हूँ, और इसका जवाब भी आपको मिलेगा कैसे आप कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए नंबर तीसरा पॉइंट कहता है कि यह हस्तक्रिया से बहुत सारे लोगों के मन में मरने के ख्याल आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो हस्तक्रिया करते रहते हैं लेकिन वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। वो माया में फंस जाते हैं, इस झूठी माया में, कि उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कामदेव वाला सेटिस्फेक्शन दोस्तों। जो कामदेव है उनसे जीत पाना बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन जिसने अपने विचार को शुद्ध कर लिया डेडिकेशन के साथ, वो इंसान कामदेव से भी जीत पाता है, जैसे हमारे हनुमान जी वो जीत पाए थे। और जब उस इंसान को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो वो इंसान और ज़्यादा करता है और करते ही रहता है दोस्तों, वो इन क्रियाओं में फंस जाता है और लास्ट में बोलते हैं कि भैया मैं कमज़ोर हो गया हूँ, ठीक है, और अब मुझे दवाइयाँ बताओ कि अब मैं अपनी फ्लेक्स पावर को कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो आपको समझना ये पड़ेगा दोस्तों कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है मेरे भाई, आज तक जो कर लिया, अब थोड़ा सा समझो, इस बात को समझो कि ब्रह्मचर्य को समझना पड़ेगा आपको, और अपने आप को कमज़ोर समझना भी बंद कर दो मेरे भाई। अभी भी आप बिल्कुल स्वस्थ हो,
आपको करना बस यह है कि दिल से ब्रह्मचर्य करना है। केवल 90 डेज कर दो, इतनी गारंटी देता हूँ कि आप सच में अपने आप को स्वस्थ महसूस करना स्टार्ट कर दोगे। मरे के समान कभी नहीं लगेगा आपको, ये समझना पड़ेगा आपको। देन नंबर 4 पॉइंट कहता है कि ये ऐसे क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो इसलिए पूछने पड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि जब इंसान अपनी बॉडी को जैसी आदत लगाता है, अपनी बॉडी को आप जैसी आदत लगाओगे आपकी बॉडी वैसा ही आपसे मांगते फिरेगी। ठीक है, आपने अभी हस्तक्रिया की आदत लगाई हुई है तो आपकी बॉडी तो आपसे चाहेगी चाहेगी, और अगर आप हस्तक्रिया छोड़ भी दोगे लेकिन वो क्या होगा कि आपके रात में खुद ब खुद वीर का नाश हो जाएगा दोस्तों सपनों उसके थ्रू। इसलिए आपको समझना पड़ेगा दोस्त कि आप इस बॉडी को जैसी आदत लगाओगे वैसी ही आपकी बॉडी बन जाती है। इसलिए समझो कि मेरे भाई, जैसे आपने अभी हस्तक्रिया की आदत लगाई हुई है, अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो आपको 21 और 90 डेज का रूल अपनाना पड़ेगा। 21-90 डेज रूल ये कहता है कि सबसे पहले तो अपने 21 दिन तक आप कंट्रोल करते हुए बिल्कुल डेडिकेशन के साथ सबसे पहले तो दिल से ब्रह्मचर्य करो और कोशिश करो। सारी परेशानी आएंगी आपके लाइफ में, आपका मन करेगा गंदी तरीके से, आपका बॉडी मांगेगी आपसे ये चीज़, लेकिन बस रोको अपने आप को 21 दिन तक। उसके बाद अगर आप इस ब्रह्मचर्य को अपना जीवन बनाना चाहते हो कि यस मैं नॉर्मली कर पा रहा हूँ इस ब्रह्मचर्य को और मज़े में कर पा रहा हूँ, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस ब्रह्मचर्य को आपने जैसे 21 दिन तक किया है और 21 दिन के बाद भी आपको परेशानियाँ आती रहेंगी, क्योंकि आपकी बॉडी या फिर आपके विचार, मन के विचार आपसे मांगेंगे भैया कि गंदी चीज़ देख, बुरी चीज़ देख, गंदी वीडियो देख, ये मांगेंगे आपसे। इन सारी परेशानियों के बाद आपके बीच में फ्लैट लाइन भी आ सकती है। फ्लैट लाइन का मतलब ये होता है कि भाई बिल्कुल कमजोरी फील हो रही है आपको, एंड आपकी बॉडी फिर से आपका बॉडी मांगने लग गई है आपसे कि कमजोरी नहीं है दोस्त, तो कमजोर नहीं है, दोबारा हिला, ये कह सकती है आपकी बॉडी। लेकिन उसको समझना पड़ेगा कि बस ये कुछ नहीं है, ये फ्लैट लाइन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, और मैं अभी भी स्वस्थ हूँ, बिल्कुल फिट हूँ, और इसको जीवन बनाना चाहते हो तो इसको 90 डेज तक करना पड़ेगा। 90 डेज तक आप जैसे कर देते हो दोस्त, उसके बाद ये आपका जीवन बनने लग जाता है और आप दिल से आसानी से कर पाते हो, और उसके बाद आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे जो कि आपको 5th पॉइंट में पता लगेगा मेरे भाई। और वो क्या होगा कि जब आप 90 डेज तक कर दोगे मेरे भाई, उसके बाद आपकी बॉडी अच्छी बन जाएगी, आपका दिमाग अच्छा बन जाएगा, आपकी बॉडी एनर्जेटिक फील करेगी, हमेशा खुश रहोगे आप, अंदर से कोई बीमारी नहीं होगी आपकी बॉडी में, और अंदर से आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कमजोरी नहीं, कोई मरा जैसा फील नहीं करोगे आप, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, हमेशा मोटिवेटेड फील करोगे दोस्तों, अपने काम को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहोगे, कर पाओगे अपने कामों को, और अपने जो गोल है आपका उस पर दिल से फोकस कर पाओगे मेरे भाई। फोकस क्यों कर पाओगे? क्योंकि जो ये गलत आदत आपको लगी थी उसके वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे थे मेरे भाई, आपका मन कर जा रहा था बुरी काम करने का, हस्तक्रिया करने का, इसलिए फोकस बढ़ जाता है आपका लाइफ के गोल के प्रति, और उसके बाद आप लाइफ में डेफिनेटली सफल बनोगे, और जो भी चीज़ आप सीखना चाहोगे दोस्तों उसको आप जल्दी सीख पाओगे। जो हस्तक्रिया करने वाले होते हैं वो जल्दी नहीं सीख पाते चीज़ों को, लेकिन आप सीख पाओगे मेरे भाई, और सब कुछ मिलेगा मेरे भाई। और जो जो आपको फ़ायदे चाहिए दोस्तों, फेस में ग्लो चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए दोस्तों, सब कुछ मिलता है ब्रह्मचर्य करने से, केवल 90 डेज तक करके देखना मेरे भाई। लेकिन अगर आप वीरनाश करोगे दोस्तों, अगर आप पूछते रहोगे कि भाई मुझे करना चाहिए अब, तो आप फंस जाओगे दोस्तों, और जो भी मैंने आपको फ़ायदे अभी बताए नंबर 5th पॉइंट में, वो सारे फ़ायदे घाटों में बदल जाएंगे मेरे भाई, इतना करेंटी है, उनका उल्टा हो जाएगा आपके साथ, समझना पड़ेगा आपको। और जब आप हस्तक्रिया करोगे तो आप में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आएगा, और उसके बाद नंबर हमारा 6th पॉइंट शुरू होता है। वो कहता है कि आजकल के जो डॉक्टर हैं वो हमारे युवाओं को, बच्चों को ये बोलते हैं कि भैया फ्रस्ट्रेशन हटाओ और जम के हिलाओ, समझ रहे हो दोस्त कितनी बड़ी बात है। चलो मान लिया कि वो बोलते हैं भैया जम के मत लाओ, लेकिन कभी कभी लाओ, फ़र्क नहीं पड़ता आपकी बॉडी को, ये चीज़ तो नॉर्मल है, नेचुरल है। लेकिन इन डॉक्टरों से एक क्वेश्चन पूछते हैं हम कि भाई कभी कभी भी क्यों हिलाना है, हस्तक्रिया क्यों करनी है, अपना वीर्य का नाश क्यों करना है जो कि आपकी बॉडी को फिट रखता है हमेशा, कभी कभी भी क्यों हिलाना चाहिए उसको। और इन डॉक्टरों का आंसर मेरे पास है कि वही इंसान फ्रस्ट्रेट फील करता है इनको हस्तक्रिया को करने के बाद, या फिर हस्तक्रिया को ना करने से फ्रस्ट्रेटेड वही इंसान होता है जिसको ज्ञान नहीं होता है लाइफ का, समझ नहीं होती है कि भैया ये बस माया है, नकली की माया है जो कि सेटिस्फेक्शन के पीछे पड़ी हुई है हमारी बॉडी। इन चीज़ों को जो समझ जाता है दोस्तों वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, और वो अपनी लाइफ में दिल से, यू नो, जिसकी लाइफ में बड़े बड़े गोल होते हैं दोस्त,
लाइफ में कुछ महान करने के गोल होते हैं वो इंसान कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकता है मेरे भाई, ये समझना पड़ेगा आपको। ये इनका डॉक्टरों का आंसर है। और मेरे भाइयों आपको ये समझना है कि डॉक्टर तो जम के पैसा कमाते हैं मेरे भाई, पैसे छापते हैं ये। और वो किन की वजह से? केवल उन भाइयों की वजह से जो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करते हैं अपने आप को, या फिर फैक्स की समस्या उनमें आ चुकी है। और अगर फैक्स की समस्या ही ना आए दुनिया में तो इन डॉक्टरों का तो बिजनेस बंद हो जाएगा मेरे भाई, है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ अच्छे डॉक्टर्स भी होते हैं जो लोग सच में बोलते हैं कि दोस्तों ये हस्तक्रिया जो है वो गलत चीज़ है। और एक बार हमारे कमेंट के नीचे भी एक डॉक्टर ने बताया था कि भैया ये हस्तक्रिया बहुत गलत चीज़ है, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी बच्चे को ये करने के लिए। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ था कि यार कोई डॉक्टर भी ऐसी बातें बोल रहा है। एक डॉक्टर जिसके पास एक बहुत बड़ी डिग्री है, अगर वो किसी युवा को ऐसी बातें बता दे कि भाई गलत चीज़ है, तो दोस्तों ये युवा तो पूरा का पूरा सच में लाइफ बदल जाएगी पूरे युवाओं की, क्योंकि उस बंदे के पास डॉक्टर है और डॉक्टर पे सब इंसान भरोसा करते हैं यार सच में। और इस भरोसे का अगर डॉक्टर गलत फ़ायदा उठाएं तो रियल में बहुत गलत चीज़ है दोस्तों। और इन डॉक्टरों को उन दोस्तों के बारे में उन दोस्तों को कंसल्ट करना चाहिए कि भाई जो लोग गलती से इन क्रियाओं में फंस चुके थे अनजाने में, और जो समझ नहीं पाए थे भैया कि मैं गलत कर रहा हूँ, खुद के साथ अपने वीर को नाश करने के बाद और गलत जगह ध्यान देने की वजह से मैं अपने कमज़ोरी फील हो चुकी है, सफेक्स क्रिया आ चुकी है, वो भी अनजाने में दोस्तों। तो ऐसे लोगों को डॉक्टरों को कंसल्ट करना चाहिए जो भी है इनके लिए। सच में बता रहा हूँ दोस्तों कि ये अगर ऐसा करना स्टार्ट कर दें और युवाओं के पास अच्छा मैसेज फैलाएं कि भैया नहीं मत करो दोस्तों, और सच में ब्रह्मचर्य फैलेगा एक्चुअली इस दुनिया में, बहुत महान चीज़ हो जाएगी दोस्तों इस दुनिया की। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, 6 पॉइंट थे। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देख रहे हो दोस्तों तो सच में आप दिल से चाहते हो डेफिनेटली ब्रह्मचर्य करना, और आप कर पाओगे इतनी गारंटी है। और आप डेफिनेटली मेरे भाइयों कोई लेट नहीं हुई है, आप आज के बाद से 100% करोगे। खुद को बोलो कि मैं करूँगा बस ब्रह्मचर्य करूँगा, दिल से परमात्मा का ध्यान करूँगा, अच्छे विचार लेके आऊँगा अपने मन में और महान बनूँगा अपनी लाइफ में, बहुत महान करूँगा बस। और एंड में बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, जब आप छोटा सा मोटिवेशन देते हैं हमें, जब वीडियो को लाइक करते हैं, नीचे कमेंट करते हैं, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, तो हमें ऐसा लगता है कि यस हमारे काम का कुछ फ़ायदा मिल रहा है दोस्तों को, और नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन, सच में एक छोटा सा मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई, और कुछ नहीं मिलता। और आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से डेफिनेटली समझ में आया होगा कि क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए, और कितनी बार करना चाहिए और कितनी बार नहीं करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा दोस्तों।